हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीलम्स क्रिएशंस। फ्रेंड्स, आज मैं आपको लड्डू गोपाल जी के लिए एक ड्रेस बनाना सिखाऊंगी, जिसमें ना तो क्रोशिया यूज होगा, ना सिलाई, ना बुनाई, ना कढ़ाई, सुई, कुछ भी यूज नहीं होगा उसमें। ये बहुत ज़्यादा इजी ड्रेस है। तो इसके बनाने के लिए ये देखिए, मैंने यहाँ पे ये ड्रेस जो है स्पेसिमन बनाया हुआ है, बहुत सॉफ्ट पोंचू ये गोपाल जी का बना हुआ है। मैंने ये पोंचू जो है अपने गोपाल जी के लिए क्रिसमस पे इस बार डिज़ाइन किया हुआ है कि क्रिसमस पे मैं इस पोंचू को अपने गोपाल जी को पहनाऊंगी। बहुत सॉफ्ट है, देखो काफ़ी थिक इसकी चौड़ाई है। इसको बनाने के लिए मैंने यूज़ किया हुआ है 4-ply वूल, रेड और वाइट कलर का। ये इतनी गर वूल भी बहुत है, इसको ये बहुत कम वूल इसको लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस ड्रेस को बनाना। इसको आप डेकोरेट भी कर सकते हैं, जिस भी तरीके से आप इसको डेकोरेट करना चाहें। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है। ये मैंने वाइट धागा लिया। मेरे व्यूअर्स पूछते हैं कि मैम बड़े गोपाल जी के लिए कैसे बनाएं, छोटे गोपाल जी के लिए कैसे बनाएं। तो देखिए ये 0 से लेकर 2 नंबर गोपाल जी तक के लिए है। मेरे गोपाल जी की गर्दन इतने पोर्शन से अच्छे से बाहर आ जाती है, ये देखिए। तो आपने यही मेन घेरा है, यहाँ पर आप जितना मोटा चाहें उतना मोटा कर सकते हैं। तो इस गले के घेरे को अपने को जब आप बनाएं तो गोपाल जी के गले से पहना के देख लें कि ये इजीली अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हमने ये 3 fingers के ऊपर ऐसे फोल्ड करना है। देखिए मैंने हल्की सी ये वाली फिंगर खोली हुई है, ये वाली। तो ऐसे को करते हुए आप अनकाउंटेबल, मतलब काफ़ी मोटा थिक जो है वो ऐसे ऐसे करके जो है हमने ये थ्रेड को काटना है। जैसे अगर मेरा ये हो गया ना, तो अभी नहीं हुआ है, मतलब मैं स्पेसिमन बता रही हूँ, मैंने ऑलरेडी काट रखे हैं। तो आपने ऐसे करना है और यहाँ से इसको कट कर लेना है। तो ऐसे को हमारे पास ये धागे बन जाएंगे। मैंने रेड और वाइट दोनों कलर के काट रखे हैं, ये देखिए। इतने कर से आपकी 2 dresses बन जाएंगी। थोड़े से मैंने ये वाली ड्रेस भी इन्हीं से ही बनाई। तो ऐसे आप काट के रख लें इनको अपने ड्रेस के हिसाब से। तो लंबाई इतनी कर काफ़ी है, बड़े गोपाल जी हों तो थोड़ी और लंबा आप कर लें इसको। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे। मैंने क्या किया हुआ है, वाइट धागा ही लिया हुआ है। अब इस वाइट धागे को मैंने इतना कर काफ़ी है, ये ऐसे, मतलब गला जिसमें हमने बनानी है ये ड्रेस, है ना। तो ये ऐसे को मैंने 3 fold इसको दे दिए हुए हैं और इसको मैं यहाँ से कट कर लूँगी। यहाँ पे मैं नॉट लगा रही हूँ इसको, ताकि ये उलझे ना इधर उधर, क्योंकि धागा उलझने का भी डर रहता है। एक नॉट मैंने यहाँ लगा दी, एक नॉट हम यहाँ लगा देंगे। आपको क्रोशिया नहीं आता है, आप इस ड्रेस को बनाएं, जब आप इसको बनाएंगे, मैं सच्ची बात बोल रही हूँ, आपका मन खुश हो जाएगा। ये इतनी प्यारी ये ड्रेस है। जैसे मैंने यहाँ वाइट डाला, यहाँ वाइट, यहाँ रेड, यहाँ रेड, तो आप बीच में एक और भी डाल सकते हैं, रेड भी डाल सकते हैं, कोई और कलर भी आप डाल सकते हैं। ये आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप कैसे करेंगे। अब देखिए हमने रेड से स्टार्ट करना है। चलिए क्या करना है, देखिए हमने तीन धागे लेने हैं। ये 3 धागे मैंने लिए, ये मैंने फोल्ड किया, यहाँ से पकड़ा इसको, है ना। ये डालने का आप देख लें कि मैं किस तरीके से इसको कर रही हूँ। ये देखिए मैंने धागे के नीचे से इसको रखा है। अब मैं इसको, ये जो ये वाला पोर्शन है, इसको इस धागे में से निकाल के खींच लूँगी, जैसे हम नॉट बनाते हैं, ये ऐसे। ये देखिए 3 धागे आपने लेने हैं। इससे क्या होगा, इन 3 धागों से ये गफ बनता है, मतलब एक अच्छी इसकी जो थिकनेस है वो अच्छे से आती है। देखिए ये किया मैंने फोल्ड बराबर, यहाँ से थोड़ा आगे पीछे रह जाए डजेंट मैटर, काट के बाद में ठीक आ जाता है। ये देखिए, और ये डाला मैंने इसमें, और बड़े केयरफुली आपने बैक साइड से इसको निकाल लेना है। और ये देखिए खींच दिया मैंने, तो ये हो गए 2। एक बार आप फिर देख लें, 5 बार हमने रेड डालने हैं, ये है ना। अभी मेरे 2 डले, तो ये देखिए 2, ये
जब आपको एक बार थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा ना, तो बहुत जल्दी जल्दी आप डाल सकते हैं इनको। ये हो गए मेरे 3, दो और डाल लें आप ऐसे। ये देखिए मैंने 5 टाइम इसको डाल लिया, 1 2 3 4 5, है ना। अब इसके बाद हमने व्हाइट धागे के डालने हैं। ये देखिए 3 मैं लूंगी और ये ऐसे, और फिर ये इस तरीके से यहाँ पे हम ऐसे करेंगे। ये देखिए जैसे ये डाल लें ना, ऐसे ही 5 बार आप ये व्हाइट डाल लें अब आगे को। ये देखिए मैंने 5 बार ये डाल लिए, 5 बार व्हाइट वाले डाल लिए। अब 5 बार फिर से हमने रेड वाले डालने हैं, फिर 5 बार व्हाइट वाले डालने हैं, और इनको थोड़ा इकट्ठा इकट्ठा रखना है करके, है ना। अब जैसे रेड वाले इसके साथ हमने ज्वाइन करने हैं, इसी तरीके से अब आप 5 बार रेड वाले और 5 बार जो हैं वो व्हाइट वाले डाल लें, जिस तरीके से मैं ये सिखाया आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 5 बार रेड 5 बार व्हाइट, रेड व्हाइट ये बना लिए। अब हम इनको क्या करेंगे, अपने गोपाल जी के गले के हिसाब से इसको थोड़ा इकट्ठा इकट्ठा करेंगे यहाँ से। अब गोपाल जी के गले पे डिपेंड करता है कि आपने इसको कितना ये करना है। अगर और बड़े हैं तो आप इसमें और भी बढ़ा सकते हैं। मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स ने मैसेज किया था कि मैम राधा रानी के लिए भी आप बाल राधा रानी के लिए ड्रेस बनाना सिखाएं, तो देखिए स्पॉन्च को आप उनको भी पहना सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप नॉट बना लीजिए जितने आपके गोपाल जी का सिर है। अब मेरे पास जो है 2 गोपाल जी हैं सेम साइज के, तो मैं ये दोनों ही सेम साइज के, ये देखिए इतना कर गर्दन है मेरे गोपाल जी की, तो यहां पर मैं इस नॉट को थोड़ा टाइट बांध दूंगी इस तरीके से। ये ऐसे को मैं बहुत बड़ा पॉन्चू नहीं बनाऊंगी, नीचे ड्रेस पहनी होगी गोपाल जी ने, उसके ऊपर से मैं ये पहनाऊंगी उनको। और अब जैसे ये वाला लंबा धागा है ना, इसको आप काट लें इसी के ही साइज का इतना। अब मेरे धागे आप देख रहे होंगे, कोई आगे हैं कोई पीछे हैं, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। देखिए यहाँ पे ये लंबे हैं, कई जगह छोटे हैं। अब देखो हमने क्या करना है, अब हमने लेनी है कॉम, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट को यहाँ देखें आप, मेरे जो नॉट वाला पोर्शन है ना, ये वाली लाइन, ये आया है इस साइड को, और इस साइड को बिल्कुल प्लेन सरफेस है। तो आप किसी भी तरफ से पहना सकते हैं जो आपको ज्यादा इजी लगे। जब ये हम नॉट बनाएंगे तो ये इस चीज का ध्यान रखना है। अब इस नॉट के ऊपर यहाँ हम मैंने फिंगर्स रख दी अपनी। अब कॉम से मैं इसको नीचे से खोलना शुरू करेंगे। पहले देखिए ऐसे कॉम चलाते जाएंगे, कोई सरफेस आप ऐसा हार्ड सरफेस ले लें, नीचे से खोलेंगे पहले ये वाला पोर्शन इसका, ऐसे पकड़ लेंगे। ऐसे नहीं करेंगे कि ऐसे कर लिया तो यहाँ से खुलने का डर रहता है। बस इसको यूं यूं कई बार आप इसके ऊपर कॉम चलाएं, कुछ छूटेंगे भी, जैसे ये देखिए मेरे इसके ऊपर आ रहे हैं, और ये इतना फ्लफी हो जाएगा और बिल्कुल सॉफ्ट, और गोपाल जी को बड़ा कोजी सा वार्म सी ड्रेस ये बनके तैयार होगी। ये देखिए कितना फूल गया ये, और ये अच्छे से हो रहा है। अब यहाँ व्हाइट वाले पोर्शन में भी ये रेड वाला निकाल लें, नहीं तो रोइन लग ना जाए कहीं। पहले नीचे से हमने इसको खोलना है इस तरीके से। आपने कंघी ऐसे, जरूरी नहीं है पतली कंघी हो, मोटी कंघी भी आप यूज कर सकते हैं। आप किसी भी साइज के गोपाल जी को इस ड्रेस को बना सकते हैं फ्रेंड्स। इस तरीके से हम इस साड़ी को खोलेंगे इन धागों को, और ये अपने आप में ही बड़े सुंदर से फ्लफी से हो जाएंगे। इसी तरीके से आप इस सारे को खोल लें। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने ऑलमोस्ट खोल दिए हैं। मैं अगर इस ड्रेस की बात करूँ ना, तो मैंने इसमें भी कोई कोई धागा रहने दिया है, क्योंकि वो अपने आप में ही बहुत खूबसूरत सा डिजाइन लेके उभर रहा है। ठीक मैंने इसमें भी ऐसे ही किया हुआ है, थोड़े थोड़े खोल दिए हैं, थोड़े थोड़े धागे बीच में रहने दिए हैं। अब देखिए ये पूरा सरफेस जो है, जो इसका आउटर सर्कल है, ये बहुत ज्यादा वो लग रहा है अनइवन। अब हम इसको शेप देंगे। तो शेप देने के लिए आप अपने गोपाल जी की पहले लेंथ देख लें, फिर ड्रेस को ऐसे को पकड़े हैं। देखिए मैंने बीच से पकड़ी ये, और इसको यहाँ से ऐसे इकट्ठा कर लें, और
जो आपके गोपाल जी की लेंथ है इसको ऐसे इकट्ठे कीजिए, देखिए कितनी प्यारी रुई की तरह हो गई है, और इसको इतना इतना काट लें। ये देखिए कितनी खूबसूरत, क्या करनी क्रोशिए की ड्रेस, क्या करनी सिलाई की, मेरे कान्हा जी तो इसमें ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग जाएंगे। ये देखिए ये बन के तैयार हो गई हमारी ड्रेस। अगर आपको अभी भी कहीं से अनइवन लगे तो ऐसे फैला के इसको वहाँ वहाँ से कटिंग कर लें, जैसे मेरी ये यहाँ से थोड़ी सी अनइवन है तो मैं इसको ये काट रही हूँ यहाँ से, ये इस तरीके से। और आप इसमें किसी भी तरह के बीड्स, किसी भी तरह की डेकोरेशन कुछ भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, अगर मतलब जो भी आपके पास अवेलेबल हो, नहीं अवेलेबल हो आप ऐसे भी बना सकते हैं। ये देखिए मेरी दो ड्रेसेस रेडी हैं गोपाल जी की। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी, अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।